Spinner organisms product of cells can be divided into two major heads, animals pathogen and plant pest. इसमें आपके आ जाते हैं bacterial agents, fungal agents, parasitic agents हो गए, viral, rickettsial और special category के agents आ जाते हैं. अब आ जाते हैं notification procedures पे. इसमें क्या है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के होता क्या है. बायोटेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल ऑफ बाय बायोलॉजिक एजेंट. जब हम किसी मटेरियल को प्रोसेस करते हैं बायोलॉजिक एजेंट की हेल्प से डट और उन टेक्नोलॉजी को मिलाकर टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज डैट इज कॉल्ड योर बायोटेक्नोलॉजी. अब आ जाते हैं सेल हाइब्रिडाइजेशन पे. मीन्स द फॉर्मुलेशन ऑफ लिविंग लिव सेल्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. हम ऐसे ढंग से नए सेल्स को लेते हैं और जेनेटिक मटीरियल के साथ कंबाइन कर फ्यूजन कराकर उसका जब एक से ज़्यादा सेल्स का जब फ्यूजन करवाते हैं डैट इज कॉल्ड योर सेल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है जी. और अब इसमें आप जानेंगे जीन टेक्नोलॉजी क्या होता है. मींस द एप्लीकेशन ऑफ जीन टेक्निक कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड सेल्फ क्लोनिंग. इसमें क्लोनिंग आ जाती है, डिलीशन आ जाती है, सेल हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है. मतलब जो जेनेटिकली किसी में कोई डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. ठीक है. अब आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. मीन्स द टेक्निक बाय विच द हेरिटेबल मटीरियल विच डज नॉट यूजुअली अकर वी विल नॉट नेचुरली इन द ऑर्गेनिज्म. कई बार ऐसा होता है किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्ट है वो नेचुरली नहीं जा रहा है, तो उस केस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. क्यों? ताकि हम लोग वो डिफेक्ट को दूर कर सकें. अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के बारे में जानते हैं. द नोटिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. दीज अप्लाई टू द फॉलोइंग सिचुएशंस. दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कि हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और स्टोर करके रख रहे हैं. कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या जीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की हेल्प से. दीज शैल बी अप्लाई टू जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स and cells corresponding to any substance, products and food stuff. ठीक है जी. इसमें आपके आ जाते हैं सेल्स ऑफर्स फॉर सेल्स स्टोरेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग ओवर विदाउट अ कंसिडरेशन. एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन जेनेटिक इंजीनियर सेल्स की होती है. प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज इम्पोर्ट ये सब इसमें आ जाता है. ठीक है. इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम. ये तो आपके डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, सेल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है. अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में जानते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी जो होती है जिसको हम रेडैक भी बोलते हैं. ठीक है. शैल रिव्यू डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे. जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे काम होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे शुड रिकमेंड सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट सेफ्टी रेगुलेशंस मेजर्स रिसर्च के बनाए जाते हैं ताकि ये कमेटी ये बनाती है सेफ्टी गाइडलाइंस ताकि इसके अकॉर्डिंग काम कर सके. ठीक है जी. और रिव्यू कमेटी हो गई जैसे आपकी जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए. उसमें शैल फंक्शन इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द सेफ्टी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स की रिसर्च कैसे हो रही है, एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म हो रही है, तो ये जो कमेटीज़ होती है वो इस पर काम करती हैं. ठीक है. अब आपका आ जाता है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी जिसको IBSC भी बोलते हैं. दिस कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन ऑक्यूपायर और एनी पर्सन इंक्लूडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या हो जाता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हैंडल करके उस पर काम करते हैं, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करके कोई नई टेक्निक्स की हेल्प से जनरेट करते हैं, वो सब इसमें काम आ जाता है. कि DNA वर्क में साइंटिस्ट कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं ताकि जो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स है या हेरिडिटिकल डिफेक्ट्स है किसी पेशेंट में उसको कम किया जा सके. ठीक है जी. अब आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. इस तरीके की कमेटी इसीलिए बिठाई गई हैं, बनाई गई हैं ताकि लार्ज स्केल पे इनोवेशंस मेडिकल साइंस में हो सके. ठीक है. ये जेनेटिक साइंस में हो सके और जितने जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं किसी पेशेंट में उसको क्योर कर जा सके. अब किसी कमेटी कोई कमेटी कैसे बनती है, चेयरमैन होता है उसमें, वो चेयरमैन होता है, मेम्बर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेम्बर्स होते हैं. ठीक है जी. और मेम्बर सेक्रेटरी होते हैं जिनकी हेल्प से कोई संस्था कह लो वो बनती है. अब आ जाते हैं स्टेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं. स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको SBCC भी बोलते हैं हम. ठीक है. इसमें क्या आ जाता है, इंस्पेक्शन करने वाले जो है
वो होते हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले होते हैं, और इफ इन केस कोई गिल्टी फाउंड होता है तो प्यूनिटिव उन पर एक्शन लेने वाले, ठीक है। इनकी पावर्स इतनी होती हैं कि ये कहीं भी जाकर सरप्राइजिंगली इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इनके इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ें इनको उनके रेलिवेंट नहीं मिल रही हैं तो उस पर ये वायलेशन एक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें इनके आ जाते हैं बोर्ड डायरेक्टर्स, हेल्थ मेडिकल सर्विसेज, ये कमेटी में इनके ये मेंबर्स हो जाते हैं जिनकी हेल्प से, जिनमें इतने पावर होती है कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जहाँ पे ऐसी रिसर्च होती है वहाँ पे जाके ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं सरप्राइजिंगली। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसको हम कहते हैं DLC, ठीक है। DLC में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है बायोटेक्नोलॉजी कमेटी की, इसमें क्या होता है, वेयर आर नेसेसरी अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मॉनिटर द सेफ्टी रेगुलेशन इन इंस्टॉलेशन एंगेज इन द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो भी हम नया मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको मॉनिटर की सेफ्टी से वो हैंडल हो सके, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उस चीज़ों को, उन चीज़ों को ये कंसीडर करते हैं स्ट्रिक्टली ये कमेटीज़, ठीक है। इसके मेंबर्स आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चेयरमैन आ जाता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ जाता है जो किसी भी फैक्ट्री में जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं। इन कुछ मेंबर्स को बनकर ये कमेटी बनती है। अब आ जाते हैं लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट एंड मैन्युफैक्चर में। नहीं, ये तो अभी तक हमने इस यूनिट में ये सीखा है कि बहुत सी कमेटीज की हेल्प से नए इनोवेशन मेडिकल साइंस में हो रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में, या किसी लेबोरेटरी में हो रहे हैं, क्लिनिकल साइंस में, ठीक है। ये कमेटीज होती हैं, उनमें क्या पावर्स है, अब हम करेंगे। हमें कमेटीज़ का पता लग गया, अब हम ये भी तो जानें कि मैन्युफैक्चरर्स कैसे काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल के एक्सपेरिमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स कैसे कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड फील्ड टेस्टिंग ऑफ इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल रिलीज हैज़ बीन लेड डाउन अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे एक्ट भी इन कमेटीज़ के द्वारा बिठाए गए हैं कि जो 1986 में कभी स्टार्ट हुआ था, कि इन चीज़ों को ध्यान में करके भी हम लोग जो भी नए इनोवेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी हम नोटिस में रखें कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। कि एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं 20 लीटर की कैपेसिटी में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस पे होते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल के एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका होगा, इसमें सेफ्टी क्राइटेरिया क्या होंगे, होस्ट ऑर्गेनिजम्स शुड नॉट बी पैथोजन, शुड बी हैव एक्सटेंडेड हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़, कि जो भी जिस पर भी हम काम कर रहे हैं पैथोजेनिक ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट ना कर सकें, ठीक है, सेफ यूज़ हो, एनवायरमेंटल लिमिटेशंस का हम लोग ध्यान करें, या जो भी रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं वो इस पर काम ध्यान से काम करें। वेक्टर इंसर्ट शुड बी वेल करेक्टराइज, फ्री फ्रॉम हार्मफुल सीक्वेंसेज, बेटेड इन साइजेस, ठीक है। इसमें हम जो भी हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी अ पैथोजन। फॉर लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस मेजर्स सच एज प्रॉपर इंजीनियरिंग ऑफ कंटेमेंट, क्वालिटी कंट्रोल हो, पर्सनल प्रोटेक्शन रहे, कि जो काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन रहे, जो हम जनरेट कर रहे हैं ड्रग उसकी भी क्वालिटी मेंटेन रहे, मेडिकल सर्वेलेंस होता रहे टाइमली, ठीक है। इस तरीके ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिव्यू कमेटी जेनेटिक मैनिपुलेशन का, जिसको RCGM भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। जेनेटिक रेगुलेशन नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर बायोलॉजिकल आर रेलिवेंट टू द रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स, द स्पेसिफिक रेलिवेंट एस्पेक्ट्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी डिस्कस्ड विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी, अ लाइसेंस ऑफ प्रोडक्ट ड्रग एप्लीकेशन वुड बी रिक्वायर्ड ऑन प्रोडक्ट्स मेड ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, इवन इफ द प्रोडक्ट इज कंसिडर टू बी केमिकली फिजिकली सिमिलर टू नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, और रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी आइडेंटिकल टू नॉर्मली अकरिंग सब्सटेंस बट नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे ढंग से हम उनको रिकम्बाइन करें DNA प्रोडक्ट्स को कि टॉक्सिक भी ना रहे, फार्माकोलॉजिकल डाटा भी मेंटेन रहे, और जो हम इनोवेशन चाह रहे हैं वो हो जाए। अब आ जाते हैं एनवायरमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स पे, कि हम लोग एनवायरमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैंडल्ड एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, कि हम लोग जब एनवायरमेंट में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ढंग से कि कॉन्टेमेंट ना हो,
ठीक है, और जो हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट चाह रहे हैं वो हो सके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द आरडीएन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पोटेंशियल रिस्क प्रायर टू एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट. जब हम, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो भी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है, ये हर फील्ड में काम करती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड ले लो, तो चाहे वो ह्यूमन जो मेडिकल साइंस है उसके लिए ले लो, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे चीज़ों को जनरेट करते हैं ताकि जब वो ग्रोथ करें तो वो बेनिफिट्स में करें, एनवायरनमेंट के बेनिफिट में भी रहे, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में भी रहे. ठीक है, प्रायर टू इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म द पॉसिबल इन्फेक्शन विद अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट देन इन्फेक्टेड वाइल्ड प्लांट. क्योंकि बीमारी सिर्फ इंसान में तो लगती नहीं है, प्लांट्स में भी होती है. ठीक है, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी ये टेक्नोलॉजी काम करती हैं. ठीक है, प्री रिलीज टेस्ट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन शुड बी इंक्लूड एलिसिडेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, हॉस्ट रेंज एक्सपेरिमेंट्स, वेजिटेटिव ग्रोथ, कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी कैसे हो सके. ठीक है, और जो भी सॉइल है उनकी, कहते हैं ना, ग्रोथ की कैपेसिटी कैसे बढ़ सके. सॉयल सैंपल्स ले जाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए वेजिटेबल के सैंपल्स लेके जाए जाते हैं कि कैसे सीड्स हम लेके आएँ या कैसे सीड्स हम नए कल्टीवेट करें जिससे कि एक अच्छी ग्रोथ हो सके. बायो वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, बायो वेस्ट जो हमारे होते हैं उसका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर इसको हम एज अ इसको एग्रीकल्चर लैंड में बायो वेस्ट को यूज़ करें तो कैसे फ़ायदा होगा. तो ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं ये इस कंसीडर में होते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या बेनिफिट कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी के थ्रू. अब आ जाते हैं अप्रूवल ऑफ वैक्सीन्स पर. FDA सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च जो CBER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वैक्सीन इन द US. करंट अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ वैक्सीन रिजाइड्स प्राइमरीली इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर एक्ट, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. जितने भी हम जो भी ड्रग इनोवेशंस कर रहे हैं या जो भी हम नए इनोवेशंस कर रहे हैं वो फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको फेडरल फूड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को देख ध्यान में करके ही कोई अप्रूव करवाते हैं नई वैक्सीन को. अगर वो नहीं, अगर हम उनको ये लगेगा कि हम लोग स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जो FDA है वो उसको अप्रूव करेगी ही नहीं. Vaccines clinical development follow the same general pathway as for the biologicals. A sponsor who wish to begin clinical trials with the vaccines. कई बार ऐसा होता है कि जो नई रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कई बार ऐसा होता है उनके स्पॉन्सर्स होते हैं जो इन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, कोई हॉस्पिटल्स हो गया, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो भी स्पॉन्सर करते हैं कि आप हमारी ड्रग के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स कीजिए, हम स्पॉन्सर करते हैं. उसमें न्यू ड्रग एप्लीकेशंस आ जाते हैं, मैंने कहा ना, नई ड्रग को अप्लाई करने के लिए वो लोग अपना क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें स्पॉन्सर करते हैं. पहले भी मैं स्पॉन्सर का पढ़ा चुकी हूँ. प्री मार्केटिंग वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स आर टिपिकली डन इन 3 phases. ये फेसेस मैं लास्ट आपको करवा चुकी हूँ, फेस फर्स्ट, फेस सेकंड एंड फेस थर्ड. इनके बेसिस पे ही ट्रायल होते हैं. जब प्री मार्केटिंग, मार्केट में जाने से पहले जो भी ट्रायल्स किसी ड्रग पे होते हैं तो इन फेसेस से होकर निकलते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें आपके क्वेश्चंस के, आप पूछ लिया जाता है व्हाट इज CBER. अब आपका आता है अप्रूवल एंड प्रोहिबिशन ऑफ नोवल डायग्नोस्टिक एजेंट्स. कि अप्रूवल तो मिल गया, अगर इफ इन केस ऐसा है कि कोई ड्रग हमारी नुकसान पहुंचा रही है या नोवल ड्रग नहीं बन पा रही है तो उसका प्रोहिबिशन भी होता है, उसको रोक देते हैं जो भी एजेंसीज होती हैं, वो आगे उसको फर्दर प्रोसीड नहीं होने देती जितनी ड्रग कमेटीज बैठी होती हैं. अंडर द रूल मेड इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आर एज फॉलो, नो पर्सन शैल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, यूज और सेल एनी हैजर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स सब्सटेंस और सेल एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी. कोई भी नए ड्रग को ना तो नए पर कोई पर्सन इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. जो भी जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स इनोवेट होंगे विदाउट परमिशन, इन कमेटीज़ की परमिशन के बिना ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, ना ही ये मैन्युफैक्चर हो सकते. मैंने कहा ना कि अप्रूवल जब मिलेगी तभी काम होगा, नहीं तो इस पर काम नहीं होगा. और अगर काम कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन लगती है. Use of pathogenic microorganisms or any genetically engineered organisms for the purpose of research shall may only be allowed in laboratories. ये इन पे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज में ही अलाउ हैं, कोई इन्हें फार्मास्यूटिकल अपनी प्लांट्स में नहीं कर सकता, ये भी इनका नियम है.
ठीक है, फील्ड में नहीं कर सकता, लेबोरेटरी में है तो लेबोरेटरी में ही होगा, कोई सॉयल सैंपल अगर ले रहे हैं तो वो लेबोरेटरी में ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहीं उस पर कुछ परफॉर्मेंस की जा रही है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी शेल बी गिवन डायरेक्शन टू द ऑक्यूपायर टू डिटरमाइन टेक मेजर्स कंसर्निंग द डिस्चार्ज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे डिस्चार्ज ना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जेनेटिक इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स का जो सेल मैंशन है वो लेबोरेटरी में ही उन पर काम हो। ठीक है, इस पॉइंट में जो आपका है डायग्नोस्टिक एजेंट्स का या प्रोहिबिशन अप्रूवल मिलने के बाद लेबोरेटरी में ही उस पर काम किया जाए, जितने भी डायग्नोस्टिक एजेंट है उसका, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ही काम होगा, नहीं तो ये रोकथाम हो जाएगा इसके ऊपर। अब आ जाते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। जब हमने कोई चीज़ बना ली है, हमने परमिशन मिल गई, हमने उस पर काम भी कर लिया, ठीक है, हमारे ड्रग से सेटिस्फाई भी हैं लोग, अब हम क्या है उसको मार्केट में स्पेशल प्रोडक्ट को ऐसे लेके आएंगे। सबसे पहले पॉइंट है लेबल करेंगे, ठीक है, इफ़ एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी इज एडवर्टाइज्ड और सोल्ड एज अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन एज कंटेंड इन अ मेडिसिन सो एडवर्टाइज्ड और सोल्ड, कि प्रॉपर नेम जाएगा उस सब्सटेंस का, वो किस तरीके से है, कितनी डोज में है, प्रॉपर लेबलिंग उसकी मेंशन होगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि वो कौन से कंटेनर में है, लिक्विड की है तो कंटेनर में होगी, अगर वो इंजेक्शन फॉर्म की है तो एम्प्यूल्स में आएगी। ठीक है, पैकिंग क्या है वो भी देखी जाती है इसमें, और अगर कोई ड्रग इंपोर्ट हो रही है तो उस पर इम्पोर्ट का लाइसेंस लगेगा। अगर किसी ड्रग की पोटेंसी मेंटेन्ड हो रही है रूल्स के अकॉर्डिंग तो उनका, तो उसका वैक्सीन्स का लिम्फ तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें देखा जाता है। अब आ जाते हैं लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस शैल कन्फर्म टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लेड डाउन, जितनी भी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसको ध्यान में करके ही लेबल किसी मेडिकल डिवाइस पे लगाया जाएगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सब्सटेंस अंडर आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट, नो पर्सन शैल सेल, कोई भी पर्सन ऐसे ही नहीं कोई लेमैन उसको सेल कर सकता है विदाउट परमिशन, ये कहीं पे सेल नहीं होगी, शेड्यूल सी के अकॉर्डिंग ही सेल होगी। डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा कंटेनर का, लेबल लगाया जाएगा, जैपर में रखा जाएगा, और जब वो सब्सटेंस की पोटेंसी उस पर प्रॉपर मेंशन की जाएगी। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स पे, एवरी सब्सटेंस स्पेसिफिक इन शेड्यूल सी एंड C1 इंटेंडेड फॉर सेल शैल बी कन्फर्म विद द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, के भी ड्रग तभी सेल पे आएगी जब उसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड ड्रग से किया जाएगा, स्टैंडर्ड ड्रग की स्ट्रेंथ क्वालिटी और प्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही जो नई ड्रग जनरेट हुई है उसका भी, अगर वो स्ट्रेंथ क्वालिटी और प्योरिटी उतनी मेंटेन कर पा रही है तभी वो ड्रग सेल पे जाएगी वरना नहीं जाएगी। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि नए बैच में जो भी ड्रग बनाई गई है कैसे फिल हो रही है, कैसे सील की जा रही है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन किस ढंग से बनाई गई है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का नेम सेटिस्फेक्टरी मैनर में है या नहीं है, कंसेंट फॉर्म दे, कंटेंट देखा जाएगा सैंपल का कितना कंटेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं टेस्ट फॉर फ्रीडम फॉर एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी। टेस्ट फॉर फ्रीडम फॉर एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी शैल बी कैरिड आउट एज पर द करंट एडिशन ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, नए बैच जो भी जनरेट होंगे सीरम के उसका एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी कितनी मेंटेन हो रही है, कितनी नहीं है, है तो कितनी है और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब देखा जाएगा। टेस्ट ऑफ पायरोजन सॉल्यूशन ऑफ PM पेरेंटल्स के टॉपिक पे आपको बता चुकी हूँ, पायरोजन्स का सॉल्यूशन सब्सटेंस इंटेंट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेरेंटल्स के आपके टॉपिक में था। जब हम किसी पेरेंटल्स को बनाते हैं या किसी ड्रग को हम इंजेक्शंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये होता है कि वो पायरोजन फ्री हो, और उसका पायरोजन फ्री टेस्ट हम करते हैं रैबिट्स पे। रैबिट्स की जो ईयर की नर्व होती है उस पर इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, और अगर किसी जिस रैबिट पे हमने परफॉर्म किया है अगर उस रैबिट को टेम्परेचर हो जाता है या उसको फीवर हो जाता है, इसका मतलब वो ड्रग हमारी पायरोजन फिल, मतलब पायरोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिल है वो ड्रग। अगर रैबिट नॉर्मल है यानी कि हमारी ड्रग पायरोजन फ्री है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इफ़ वाटर एनी अदर एक्वस सॉल्वेंट इज सप्लाइड फ्रॉम द लंग विद द सब्सटेंस, ठीक है, ऑल डिपेंड ऑन रैबिट, ये रैबिट पे किया जाता है, और ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं ये पूछ लिए जाते हैं। लेट आई समराइज यू दिस यूनिट। सबसे पहले आपने इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में देखा, फिर आपने फिजिकल और बायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स के बारे में जाना कि वो किस तरीके के होते हैं, फिर आपने FDA के बारे में जाना,
इसमें आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, टर्मिनल क्वेश्चंस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म वर्ब्स जो इसमें दिख रही हैं वो पूछ ली जाती हैं, रिव्यू कमेटी और जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट हो रही है। अगर इस यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ। लेट स्टार्ट विद यूनिट 5, न्यू ड्रग अप्रूवल इन रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड मार्केट। इसमें आप इस यूनिट में आप करेंगे न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA, न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेसेस, IND के बारे में जानेंगे, रूल्स क्या है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के, इसके बारे में आपको इस यूनिट में पता लगेगा। इसमें आपने लास्ट यूनिट में आपने स्पेशल प्रोडक्ट्स की हैं न्यू ड्रग्स के बारे में, इससे आपको थोड़ा इस यूनिट में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं नई ड्रग के बारे में कि नई ड्रग क्या होती है। व्हाट आर न्यू ड्रग्स? फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट न्यू ड्रग शैल मीन इंक्लूड कि कोई भी ड्रग हमारी बल्क में है विच इज़ नॉट यूज बीन इन द कंट्री और एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अंडर द कंडीशन प्रिस्क्राइब रिकमेंडेड और सजेस्टेड इन द लेबलिंग देयर ऑफ हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इफेक्टिव सेफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स द ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कि कोई भी नई ड्रग है, बल्क ड्रग है जो पहले कभी यूज़ नहीं हुई है या कंडीशन उसके ऊपर प्रिस्क्राइब होती है कि अप्रूवल उनसे मिलेगा तभी आप इस पर काम हो जाएगा, काम होगा अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर सर्टेन क्लेम्स। कई बार ऐसा होता है कि जो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ये पर्टिकुलर कुछ क्लेम्स पर ही ड्रग को अप्रूव करती है। सपोज अगर ऐसा है कि आपका एक सॉल्ट है बैक्लामेथासोन डाइप्रोपाइनेट होता है, वो 0.25 ग्राम में आता है, MGs में आता है। ठीक है, उसका ये है कि वो उससे ऊपर बनता ही नहीं है, 0.025 से ऊपर वो उसकी अप्रूवल वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पर्टिकुलर बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके क्लेम्स उनके सेट होते हैं, उससे ऊपर क्लेम्स ना तो मार्केट में होते हैं ना लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूव्ड करती ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप उससे अलावा चेंज करके जाओगे ना, सपोज आपने 0.025 है, आपने 0.027 है, आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं हम कोई नई ड्रग के ऊपर काम करने के लिए, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि और लोग काम नहीं कर रहे तो तुम इस पे काम क्यों कर रहे हो और क्या रीज़न है, हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ दिखाओ तभी हम अप्रूव करेंगे, अदरवाइज वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, उनके ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग इसे हैंडल करते हैं।
ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है बी, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इसी को बताता है. अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग इंडिविजुअली प्रूव्ड अर्लियर फॉर सर्टेन क्लेम्स विच आर नाउ सपोज टू बी कम्बाइंड इन द फर्स्ट टाइम इन फिक्स्ड रेशियो. फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जब इसमें एक या एक से दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जितनी भी ड्रग ऑइंटमेंट्स की हैं, जैसे चाहे पेन जेल है, ठीक है, पेन जेल है, उस वो है C4 कंटेंट उसमें होते हैं. कभी भी घर में सभी के पास पेन जेल है, उसमें आप देखोगे तो उसमें एक से ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, एक सॉल्ट नहीं होता है. जैसे डिक्लोफिनैक हो गया, पोटेशियम, ठीक है, डिक्लोफिनैक, डायथलमाइन हो गया, लिंसिड ऑयल हो गया, मेंथॉल हो गया, मिथाइल सैलिसाइक्लेट, इनको कंबाइन करके एक पेन जेल तैयार की जाती है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो गया ना, टू और मोर प्रोडक्ट्स का हो गया. तो क्या होता है, उसका भी पर्टिकुलर सर्टेन क्लेम ही होता है. उसके अगर उसका भी क्लेम को हिला देते हैं तो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूव नहीं करती है. विच आर नाउ सपोज टू हैव कंबाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिक्स्ड रेशियो इफ द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट इन ऑलरेडी मार्केटेड कॉम्बिनेशन इज प्रपोज बी चेंज विद सर्टेन क्लेम्स. तो उसका हमें रीज़न देना पड़ता है कि इंडिकेशन क्या है, डोज क्या है, डोजेज क्या है, हमने उस पर काम कैसे किया है, किस रूट से हम लोग उसको एडमिनिस्टर करवाने वाले हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ड्रग आर एज फॉलो, टू फाइंड आउट एनी ड्रग ऑफ अनमेट मेडिकल नीड, टू डिस्कवर मोर एफिकेशियस ड्रग, टू डिस्कवर सेफर ड्रग. ठीक है, ये कुछ तीन पॉइंट्स होता है जिनके जिन क्वेश्चंस को फुलफिल करके जिनके आंसर्स तभी हमें अप्रूवल मिलती है. ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी कि NDA. न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज प्रपोजल टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय स्पॉन्सर टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल फॉर सेल. कोई भी नया फार्मास्यूटिकल ड्रग है, डोजेज फॉर्म है, इन्हीं के फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई ड्रग नई अप्रूवल उसको तभी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है. ये कमेटीज जो बैठी होती हैं वो इसीलिए बैठी होती हैं. द NDA इंक्लूड्स द डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग द एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज. कहा ना, मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी बताया, जब हम किसी नए ड्रग का अप्रूवल लेके जाते हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें उनके पास भी स्टेबिलिटी स्टडीज भेजनी होती हैं कि हमने इस ड्रग पे, हमें ये ड्रग बनानी है या हमें इस ड्रग पे काम करना है. तो हमारी एनिमल सब्जेक्ट्स पे ये स्टडीज़ हमने की हैं, ह्यूमन स्टडीज ऐसे इस ढंग से की हैं. ठीक है, अब आपका आ जाता है बल्क ड्रग. बल्क ड्रग का इज अ क्रूड फॉर्म. बल्क ड्रग को आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो. ठीक है, वो जिसको हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल, जो प्रॉपर होता नहीं है, तो उसको फिनिश्ड भी नहीं कंसीडर करते हैं हम, उसको सेमी भी नहीं करते, उसको बल्क में रखते हैं. बल्क ड्रग इज अ क्रूड ड्रग. इट इज अ सब्सटेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड इन अ ड्रग व्हेन यूज्ड. एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हमें फिनिश्ड डोज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर बल्क ड्रग. शेड्यूल वाई होता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का. डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट. कि हम लोग शेड्यूल वाई का भी, शेड्यूल वाई हमें क्या कहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारी ड्रग की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी गाइडलाइंस परमिशन की हमारी हैं, उनको फुलफिल करके ही हमें नई क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिलता है. क्लिनिकल ट्रायल्स का टॉपिक मैं पूरी यूनिट आपको करवा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो मुझे इस पर टाइम वेस्ट करना है. क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ न्यू ड्रग इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स. किसी ड्रग की सिस्टमिक स्टडी को करने के लिए करते हैं या उसका जनरेट डाटा करते हैं नया, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं. अब आ जाता है फार्माकोलॉजिकल स्टडी. ये मैं करवा चुकी हूँ. फार्माकोलॉजिकल स्टडी में क्या है, किसी ड्रग की हम लोग कि हमारी कोई ड्रग कैसे बॉडी में जाके काम कर रही है, उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं या ड्रग की थेरेपेटिक रेंज को जज करते हैं, चेक करते हैं. टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, जब कोई ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है, कितना टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ के गई है बॉडी में, कितनी तो वो कहीं टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं छोड़ के गई. कई बार ऐसा होता है जब हम कोई ड्रग को अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो एलर्जी शो कर देती है, यानी कि वो ड्रग हमें सूट नहीं करती है. तो उसने ड्रग ने हमें टॉक्सिक इफेक्ट दिया ना, तभी तो वो हमें सूट नहीं करी. उन स्टडीज़ को भी करने के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ कंसिडर की जाती हैं. अब आ जाते हैं फॉर्मुलेशन पर. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच कैन एडमिनिस्टर टू ह्यूमन बॉडी इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म. कि फॉर्मुलेशन माने कि अब आपको ये तो पता लग गया कि आपकी ड्रग जो है बल्क है, शेड्यूल वाई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स उसमें होना चाहिए, जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाके अच्छे से असर दे, टॉक्सिक इफेक्ट भी ना दे. अब हमें ये भी देखना है ना कि वो ड्रग जा तो रही है पर फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरीके से वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रही है, जा रही है ऑरली जा रही है,
आपकी आई ये इंजेक्शन के थ्रू जो पेरेंटल्स जा रही है या आपकी लिक्विड फॉर्म में जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है वो भी हमें देखना होता है। कि कई बार ऐसा होता है कुछ ड्रग्स हैं जो टैबलेट में अच्छी जा सकती हैं, वो उसको आप ऑइंटमेंट में नहीं दे सकते, ऑइंटमेंट में अच्छी जा रही हैं उसके टैबलेट में नहीं दे सकते। तो वो चीज़ें भी हमें फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में है किसी ड्रग की वो भी देखा जाता है। न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन ओवरव्यू। न्यू ड्रग प्रोसेस फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी जनरलाइज्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ ड्रग। हाउएवर इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट न्यू ड्रग हैज टू पास थ्रू अ बैटरी ऑफ एनिमल टेस्टेड। कि कोई भी ड्रग है वो मैं बता चुकी हूँ, कोई भी ड्रग है वो हमारी अप्रूवल एनिमल सब्जेक्ट और ह्यूमन सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ के बेसिस पे ही आगे फर्दर प्रोसीड करती है, क्लिनिकल ट्रायल से होकर निकलती है। द फार्माकोलॉजिकल टेस्ट एंड टॉक्सिसिटी स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन एनिमल्स और ह्यूमन वॉलेंटियर, और इनकी ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनके ऊपर काम करते हैं और ये जो कमेटीज होती हैं इनकी अप्रूवल से काम करती हैं। फेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से होकर निकलती है, ठीक है। ये मैं लास्ट यूनिट में आपको कंसिडर करवा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा DCGI का, कि जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हमारी लेबोरेटरीज को मिलते हैं, ठीक है, वो किन बेसिस पे करते हैं। पहले जो DCGI होता है हमारे, उनको जो स्पॉन्सर मिलते हैं तो पहले वो क्या देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा देखते हैं कि पहले स्टेप पे पहले फेज में डाटा क्या रहा, सेकेंड फेज में डाटा क्या रहा, थर्ड फेज में डाटा क्या रहा या फोर्थ फेज में क्या रहा। उनके बेसिस पे ही वो स्पॉन्सर्स उन लेबोरेटरीज को स्पॉन्सर करते हैं। अगर उनको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है फेसेस तो क्लियर करते हैं, अदरवाइज वो नॉट क्लियर करके या नोटिफाइड टू द एप्लीकेंट कि आप लोगों का सेटिस्फैक्ट्री पैरामीटर्स नहीं है, वो स्पॉन्सर नहीं करते हैं, ठीक है जी। अगर ये और ये अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर क्या होता है, प्रपोजल जाता है मैन्युफैक्चरर्स पे या मार्केट में जाता है जितनी फार्मास्यूटिकल प्लांट्स है कि अब आप इस पे काम कीजिए, ठीक है। नए ड्रग के एप्लीकेशंस के 50,000 लगते हैं, फेस फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स के 50,000 लगते हैं, सेकंड थर्ड फेसेस के 25,000 लगते हैं। अब आ जाते हैं INDP, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, वो क्या करते हैं, जब कोई नए ड्रग को इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑब्टेन्स परमिशन टू शिप एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग। कि वो ड्रग को जब दूसरी जगह पे शिप करते हैं तो किन बेसिस पे करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेटर इन नए ड्रग पे कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। इट इज सबमिटेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर हु मॉनिटर्स द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग माइट बी सबमिटेड बाय अ फिजिशियन टू प्रपोज स्टडिंग एन अनअप्रूव्ड ड्रग और एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग फॉर न्यू इंडिकेशन। Emergency use investigational new drug. It allow food and drug administration at FDA to authorize the use of new drug in emergency situations that does not allow time for investigational new drug submission. पहले में क्या होता है, investigator की duty होती है जो clinical trials को monitor कर रहा है कि वो पूरा data submit करता है studies का, कि वो अनअप्रूव ड्रग की स्टडीज़ का पूरा डाटा वो मेंटेन करके सबमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इमरजेंसी यूज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इट अलाउ FDA क्या करता है, ड्रग की इमरजेंसी सिचुएशन में भी कई बार ड्रग को अलाउ नहीं करता फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग सबमिशन। इमरजेंसी यूज़ ऑफ INDs इज ऑल्सो यूज फॉर पेशेंट हु डो नॉट मीट विद स्टडी प्रोटोकॉल क्राइटेरिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोटोकॉल क्राइटेरिया से जो सब्जेक्ट पेशेंट्स होते हैं वो मीट नहीं कर पाते, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इट इज प्रपोज फॉर एक्सपेरिमेंटल ड्रग विच शो प्रोमाइजिंग इफेक्ट इन सीरियस एंड इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस व्हाइल द फाइनल क्लिनिकल वर्क इज कंडक्टेड एंड द FDA रिव्यू टेक्स प्लेस। एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। एनिमल फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, दीज इंक्लूड अबाउट द इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू द कम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या है, मैन्युफैक्चरर्स कौन है, स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन हो रही है, कंट्रोल्ड यूज कैसे है ड्रग का, क्रूड ड्रग में ड्रग है और फिर ड्रग प्रोडक्ट में बन रही है तब क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब उसमें कंसिडर होती है। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स में क्या आ जाता है, डिटेल प्रोटोकॉल फॉर प्रपोज्ड क्लिनिकल स्टडीज टू असेस द वेदर द इनिशियल फेज ट्रायल विल एक्सपोज सब्जेक्ट्स पेशेंट टू अननेसेसरी रिस्क। Also information of the qualification of clinical investigator professionals who oversees the administration of the experimental compound to assess they are qualified to fulfill their clinical trials duty. अब आ जाते हैं आपके INDs review process पर, कि वो review करके कैसे क्या देखते हैं।
जब द इन्वेस्टिगेशनल न्यूज एंड इज मीन्स टू विच द स्पॉन्सर टेक्निकली टेक्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA USA, द स्पॉन्सर मस्ट डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ ड्रग. कोई भी स्पॉन्सर है उसका मेन मोटिव क्या रहता है, वो तभी स्पॉन्सर करता है कि जो भी उसकी ड्रग है जिस पर काम किया जा रहा है वो सेफ हो, ठीक है, अपने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में जो भी ड्रग जा रही है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ, सेफ्टी डाटा उसके उसके लिए उन्हें मैटर करता है. सेफ्टी डाटा मस्ट इंक्लूड जस्टिफाइड द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी विच इज़ सेफ इन ह्यूमंस. कि फार्माकोलॉजिकल डाटा जाता है, सेफ्टी डाटा जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जाती हैं. वंस द सेफ्टी इज एस्टेब्लिश्ड द स्पॉन्सर स्टार्ट द कलेक्टिंग रिलायबल डाटा एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश दैट ड्रग विल नॉट एक्सपोज ह्यूमन टू अनरीजनेबल रिस्क. तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद स्पॉन्सर भी रिलायबल डाटा को कलेक्ट करने लगता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन का, कि ड्रग की इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्रग कैसे जा रही है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितनी अमाउंट में ड्रग जा रही है, ये सब डाटा वो लोग रखते हैं. ठीक है, हमारे तो रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग फॉर क्लिनिकल और मार्केटिंग एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट न्यू ड्रग. जो भी ड्रग है इम्पोर्ट मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग अदर देन द ड्रग क्लासिफिकेबल अंडर शेड्यूल सी. नेक्स्ट आपका किस चीज़ को ध्यान में रखता है ये परमिशन टू इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स. इसमें आपके ये क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिशन टू इम्पोर्ट न्यू ड्रग. कि परमिशन के वक्त क्या प्रोसेस होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं. या वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन टू इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस. लेट आई समराइज यू दिस यूनिट. इसमें आपने क्या शेड्यूल वाई के बारे में जाना, स्पॉन्सर्स के बारे में जाना, INDs के बारे में जाना है, ठीक है जी. FDA क्या होता है, FDA के क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सब इसमें आए हैं. और आपके जो क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वॉट आर न्यू ड्रग्स, डिफरेंट कैटेगरीज फॉर फाइलिंग एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, गिव एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन, ये सब क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, ये सब जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये आपकी समरी है जो मैंने आपको इसमें करवाई है. ये यूनिट मेरी अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, आई कंप्लीट दिस यूनिट. इफ यू हैव क्वेरी अबाउट दिस यूनिट. नो क्वेरीज मैम. I think no response from anyone. No worries, ma'am. Let's start with the next unit. Unit 6, Origin of Pharmaceutical Legislation, in which you have to study history of pharmaceutical legislation in India, genesis of modern medicine, regulation in the Western countries, Drug Inquiry Committee, genesis of Drug Act, Pharmacy Council of India, PCI. Let introduce you this unit.
अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, पर इसमें आप क्या देखेंगे, मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से जनरेट हुई है, क्या ओरिजिन है, डेवलपमेंट जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी लेजिस्लेशन, कंपेयर द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया विद अदर कंट्रीज बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चोपड़ा कमेटीज, मेंशंस द इम्पोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ चोपड़ा कमेटी, ड्रग एक्ट 1940, साइलेंट फीचर्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, लॉ ऑफ रिलेटेड टू फार्मेसी आर ऑलवेज टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, जितने जो भी फॉरेंसिक फार्मेसी होती है उसमें जितने भी लॉज होते हैं वो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, उन लॉज के बारे में जानते भाई, शेड्यूल वाई एम एक्स, ये शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग हमारे लॉ जनरेट किए जाते हैं और ड्रग्स के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। द लॉज रिलेटेड टू फार्मेसी आर ऑलवेज टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, वंस हैज नोन टू द बैकग्राउंड अंडर विच द रेलिवेंट लॉज वर मेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ लॉ इन इट्स रियल सेंस, कि रूल रेगुलेशन क्या हैं ड्रग के रियल सेंस में, उन पर क्या इफेक्ट होता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ऑलवेज टॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन गवर्निंग देयर प्रोफेशन एंड इट्स एक्टिविटी, इन केस ऑफ फार्मेसी सच एस्पेक्ट्स आर टॉट अंडर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी, मैंने बोला ना फॉरेंसिक फार्मेसी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि रूल रेगुलेशन जो होते हैं ना उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जो भी ड्रग्स होते हैं उन वो जो हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं, शेड्यूल एक्स वाई एम एम वन एच वन शेड्यूल एच, जितने भी आप ड्रग्स देखेंगे ना आपकी नॉर्मल भी जो ड्रग्स होती हैं उनके पीछे भी एक कैप्शन लिखा होता है, इट इज़ मेडिकल यूज्ड अंडर, इट इज़ यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन, इस तरीके की जो कोटेशंस होती हैं वो ऐसे ही नहीं, ऐसी जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मनमर्जी से नहीं लिखती हैं, ठीक है। कभी आप ध्यान करना, कोई भी ड्रग आप उठा रहे हो उसके पीछे बैक में आप पढ़ोगे ना क्लेम कि कितनी अमाउंट डिलीवर्ड ड्रग की, उसके नीचे बहुत सी इंडिकेशंस होती हैं, इट इज़ मेडिकली इट इज़ यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन, या कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस, या स्टोर इन अ दिस दिस दिस, जो भी आप देखते हो उसमें जो इंडिकेशंस लिखी होती हैं, ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो अपनी मर्जी से उसमें डाल रही है, वो क्या होता है वो लॉ होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें वो डालना होता है, अगर हम वो चीज़ें नहीं डालेंगे तो वो अनलॉफुल एक्ट होगा। और अगर ड्रग्स उसमें बाय चांस ऐसा होता है कि जब मार्केटेड हो जाती है ड्रग, इफ़ इन केस ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं कि उस पर ड्रग पे जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो नहीं लिखी गई हैं या जो लॉज है वो नहीं बताए गए हैं और वो ड्रग मार्केट में चली गई है, किसी ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने या डी सी ओ ने उसको चेक कर लिया है, तो वो एक अनलॉफुल इफेक्ट माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, वो ड्रग वहाँ ठीक नहीं मानी जाएगी और उस ड्रग को वहीं से उठा लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी इफेक्ट होता है, अनलॉफुल एक्ट होता है, वो जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन पे उस पर काम किया जाता है कि इस प्लांट से ये ड्रग हमारी बनी है और इस प्लांट में ये लापरवाही की गई है, यानी कि उन्होंने ये लॉ नहीं माने हैं जो लॉ फॉरेंसिक फार्मेसी ने बनाए थे, या जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस ने या जो ड्रग लॉ जो बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ड्रग हमारी मार्केट में चली, उसके अकॉर्डिंग नहीं है और वो ड्रग मार्केट में चली गई है और वो ड्रग इन्वेस्टिगेटर ने उठा ली है, तो वो एक अनलॉफुल इफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे कि फार्मेसी के लॉ क्या हैं, उनके एक्ट्स क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, अदर फार्मेसी अदर सिमिलर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या हैं फॉरेंसिक फार्मेसी के, वो सब इसमें आप देखेंगे इस यूनिट में। जेनेसिस ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन एंड फार्मेसी, इन एशियंट डेज मेडिसिन इन इंडिया वर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल साइंस है या मेडिकल साइंस है डे बाई डे इनोवेट कर रही है, काम कर रही है। पहले कभी मैंने आपको फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में भी बताया था कि पहले ड्रग जो हमारी होती थी वो क्रूड पाउडर के फॉर्म में होती थी, या जिसे आप कह लो पाउडर फॉर्म में दी जाती थी, लेकिन उस ड्रग में क्या था कि पेशेंट कंप्लायंस नहीं था, पेशेंट उसको कंफर्टेबल नहीं ले पाता था, उसी को इनोवेट करते करते टैबलेट जनरेट हुई, ठीक है।
ऐसे ही जेनेसिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिंस में होता है कि जो पहले नेचुरल रिसोर्सेज से मेडिसिन ली जाती थी, वेजिटेबल्स से, प्लांट्स से प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी, या एनिमल या मिनरल आइटम्स में सर्टेन कंडीशंस में ड्रग बनाई जाती थी, या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स प्रैक्टिस में लाई जाती थी, ठीक है, आजकल की मेडिसिन से उसको कंपेयर करें तो पहले वाली की स्टोरेज थोड़ी अलग होती थी, अब वाले के जो स्टोरेज है वो साइंटिफिक मैनर के अकॉर्डिंग होती है, स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू रखी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब मेडिसिन धीरे धीरे डे बाई डे चेंज हो रही है तो उनके इम्पीरियल कॉन्सेप्ट भी डे बाई डे चेंज हो रहे हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को चेंज होते होते जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है या जो ड्रग लॉ है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी उतना ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स के लिए या जो मार्केट में सेल हो रही है ड्रग उनके लिए। In fact, there was not much more need for such controls. हमें ये लगता है कि उनको कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ड्रग कंट्रोल की ज़रूरत होती है, लॉ मॉडर्न सिस्टम जो मेडिसिन के बने हुए हैं उसके होते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश ट्रेडर हु लेटर बिकेम द रूलर्स ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। During their rule, the British intentionally gave a patronage to allopathy system. पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो जो हमारे जो भी आयुर्वेदा था उस पर फोकस था, आयुर्वेदा के ड्रग्स कैसे डिराइव करता था नेचुरल रिसोर्सेज से। धीरे धीरे जब ब्रिटिश ट्रेडर्स आए, ब्रिटिश रूल आया 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने किस पे फोकस करवाया, एलोपैथी सिस्टम पे। उन्होंने आयुर्वेदा को बिल्कुल ही नेगोशिएट कर दिया, उन्होंने एलोपैथी पे ध्यान दिया। इन द बिगनिंग द एलोपैथी और द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर प्रिंसिपली मेंट फॉर द रूलिंग क्लासेस। उसको ये मानते थे कि ये ब्रिटिश अपना थोप रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश हमारे ऊपर इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जनरली आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हेन हाउ द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है। फार्मेसी इन 19th एंड अर्ली 20th इन इंडिया, वेस्टर्न सिस्टम, दो द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिकेम पॉपुलर इन इंडिया बाय द 19th सेंचुरी, इट वाज हैविंग इन कमर्शियल आउटलुक एंड इंटरेस्ट विद वेरी लिटिल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल कंसेप्ट। जब वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम 19th सेंचुरी में आया तो पहले वो कमर्शियल आउटलुक पे था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो पब्लिक थी उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, प्रोफेशनल कंसेप्ट में भी उसके लिटिल सर्विसेज में वो आने लगा एलोपैथी सिस्टम, पर नॉन बाय द वेरियस नेम लाइक उस एलोपैथी को आप वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम भी बोल सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी बोल सकते हैं, या एलोपैथिक मेडिसिन भी बोल सकते हैं। इसको हम कह मोस्ट पुराने टाइम में क्या होता था, जब ये सिस्टम आया, जब अंग्रेज थे या उनको इंग्लिश मैन बोला जाता था, ठीक है, या तो इन्हीं इंग्लिश मैन से ही मिलकर ये नाम पॉपुलर नेम पड़ा इंग्लिश मेडिसिन, बिकॉज ये ब्रिटिश लेके आए थे सिस्टम, ठीक है। मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड वर प्रैक्टिस्ड बाय द इंग्लिश ट्रेडर एंड बिजनेसमैन, ठीक है। इंग्लिश के ट्रेडर्स जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो इसको लेकर आए थे, तो इससे ही उसका नाम इंग्लिश मेडिसिन पड़ गया था वैसे। और उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदा सिस्टम को नेगोशिएट खत्म कर दिया था और अपने ही वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम को लेके आए थे। जैसे 20th सेंचुरी बाय द एडवांसमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एडिशन टू द बिजनेस इंटरेस्ट सर्विस कंसेप्ट टू बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन practice included sale. Unfortunately, during the same time, substandard, fake and other spurious medicine became very common in the country. On many occasions, they were common that the genuine and standard quality items, many times drugs were manufactured in other countries exclusively for the Indian market, which were of low quality compared to the own domestic market items. ठीक है जी, 20th सेंचुरी में जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कह लो, ब्रिटिश मेडिसिन कह लो, या इंग्लिश मेडिसिन कह लो, पहले क्या होता था, अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड्स सेम टाइम कई बार ऐसा होता था, फेक भी निकल जाती थी, हार्मफुल मेडिसिन भी आ जाती थी, ठीक है। धीरे धीरे ये सिस्टम थोड़ा काम करने लगा तो ये कॉमन होना शुरू हो गया, या फैमिलियर कह लो जिसको, जो जेन्युइन एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी आइटम्स को लेने लगा। मैंने टाइम ड्रग वर मैन्युफैक्चरिंग इन अदर कंट्रीज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन मार्केट विच वर लो क्वालिटी कंपेयर टू द अदर डोमेस्टिक मार्केट आइटम। इट वॉज नो वंडर क्वालिटी इंडिया सून बिकेम एन गुड डंपिंग मार्केट प्लेस फॉर द वराइटी ऑफ क्वैक कह लो, फेक कह लो, ठीक है। लो क्वालिटी स्पूरियस मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। जब ये इस तरीके से रूल रेगुलेशन नहीं थे,
या इस तरीके की लॉ नहीं बनी हुई थी, तो क्या होता था कि लो क्वालिटी की मेडिसिन्स भी होती थी, मिलावटी मेडिसिन, स्पूरियस मेडिसिन, हार्मफुल मेडिसिन्स भी होती थी, फेक भी आती थी, ठीक है, ऑल सॉर्ट ऑफ हार्मफुल एंड लो क्वालिटी यूजलेस मेडिसिन और मार्केट इन इंडिया बाई अनक्वालिफाइड पीपल, क्योंकि तब लोग इतना जानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे कि मेडिसिन्स क्या हैं, किस तरीके से इन मेडिसिन पे काम करना है, वेस्टर्न मेडिसिन पे, विद ओनली मोटिव ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया वर डिस्कवर्ड एज द लैंड ऑफ क्वैक, क्वैक डॉक्टर्स, क्वैक डेंटिस्ट, क्वैक ऑप्टिशियन, क्वैक फार्मासिस्ट, क्वैक फेथ हीलर्स, क्योंकि ये सिस्टम ही उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ फेक होता चला गया, ठीक है. एंड स्कल्पचर्स इम्पोर्टर्स यूज टू ब्रिंग मेडिसिन विच वर कंडेम्ड इन द अदर कंट्रीज वेयर दे वर मैन्युफैक्चर्ड. देर वर नो मैकेनिजम्स इन इंडिया टू कंट्रोल और गवर्न द बैड सिचुएशन इन कैच होल्ड ऑफ द बिजनेस सेक्टर इन द एरिया ऑफ मेडिसिन. पुराने टाइम में जब इस तरीके के नियम नहीं थे, 19 या 20 सेंचुरी में लॉ नहीं बने गए थे, तो क्या होता था, मैंने कहा ना कि पहले भी आपको फ्रेंड्स में बताया है कि कोई भी जो सिस्टम आते हैं मार्केट में वो इसलिए आते हैं ताकि रूल ब्रेक ना हो और क्वालिटी सेफ्टी मेंटेन होके चीज़ें मार्केट में मेडिसिन्स मिल सके. पर पुराने टाइम में जो आयुर्वेदा का टाइम था या 19th या 20th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम में क्या होता था, जो इंडिया इंडियन पीपल्स थे वो वेस्टर्न मेडिसिन से अवेयर नहीं थे. सिर्फ ब्रिटिश जो इंग्लिश इंग्लिश मेडिसिन्स ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये मेडिसिन सिस्टम एलोपैथिक आया था, उन्हीं को थोड़ा पता था, इंडियंस को नहीं पता था. इसलिए बस कहते हैं ना, अंधाधुंध मेडिसिन बिजनेस को चलाने के लिए क्वैक डॉक्टर्स, फेक सब कुछ होने लगा. जब पता ही नहीं है तो उल्टा पुल्टा काम तो होगा ही, ठीक है, सब खराब काम हो जाएगा. देयर वर नो मैकेनिज्म इन इंडिया टू कंट्रोल और गवर्न द बैड सिचुएशन. समय के साथ साथ बैड सिचुएशन आती है, जब क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हुए थे. धीरे धीरे समय के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट और आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्रैक्टिशनर मेडिसिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक्सेप्शन ऑफ पॉइजन एक्ट, देयर वर नो लॉज इन इंडिया टू कंट्रोल गवर्न द इम्पोर्ट. लॉज इसलिए बनते हैं कि ताकि कोई भी चीज़ फेकनेस ना रहे, ठीक है. और पुराने टाइम में क्या होता था, लॉ नहीं थे, जिसकी वजह से इंडिया में मेडिसिन की बैड सिचुएशन होने लगी, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदा को ख़त्म कर दिया था. देयर वर नो लॉ इन इंडिया टू कंट्रोल एंड गवर्न द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ थेरापेटिक एजेंट्स ऑफ एनी काइंड, नो मैटर पोटेंट इनर्ट. इट वॉज ट्रू डैट देयर वॉज अ सर्टिन प्रोविजन इन इंडियन पैनल कोड रेफरिंग टू द नॉक्सियस ड्रग. धीरे धीरे फिर रूल रेगुलेशंस आते गए, बट वर नॉट इफेक्टिव टू कंट्रोल द सिचुएशन. सिचुएशन इतनी बैड थी क्योंकि रूल्स नहीं थे, उनको कंट्रोल करते हुए भी बहुत टाइम लगा, जो भी प्रैक्टिशनर थे मेडिसिन के, जो क्योंकि सब कुछ किसी को, डॉक्टर्स को भी पता नहीं क्या मेडिसिन सिस्टम ये आया है, डेंटिस्ट को भी पता नहीं है, ऑप्टिशियन को भी पता नहीं है, फार्मासिस्ट को ही नहीं था. तो ये बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन 19th या 20th सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम में हो गई थी. इसमें आपके जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज इंग्लिश मेडिसिन, व्हाई दे वर स्ट्रॉन्ग डिमांड्स फॉर फार्मेसी लेजिस्लेशन इन इंडिया इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. इस तरीके से जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ये आपकी यूनिट चल रही है, यूनिट आपकी है ये यूनिट 6, कि फार्मेसी सूटिकल लेजिस्लेशन या फार्मेसी की लॉ कहाँ से आई, इसकी जनरेशन कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. इसी के साथ मैं आपके मैंने आपको यूनिट 3rd, 4th, 5th और 6th मैंने स्टार्ट करवा दी है. अगर इन लास्ट यूनिट्स में किसी भी यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम मैम. डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम ऑडिबल टू यू. मैम नो प्रॉब्लम मैम, नो डाउट मैम. इसी के साथ मैंने आपको यूनिट 3rd, 4th, 5th, 6th स्टार्ट करवा दी है. और अगर आपको इस यूनिट में किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं है तो मैं ये सेशन यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ओवर नहीं करूँगी इससे आपको, नहीं तो क्लियर नहीं होगी सिचुएशन. ये यूनिट्स जो भी हैं,
जो इसमें टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ वो क्लियर नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं ये सेशन यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।